मामा सो गए सूरज चाचू जागे देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे उठ बेटा उठ जा बाबा सोने दो उठ जा बेटा उठ जा अरे बाबा संडे है यार आज सोने दो ना और आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह संडे को तैयार होके बेटा आजकल ऑफिस में बहुत काम आ रखा है इसलिए संडे को भी काम करना पड़ता है क्या पापा आप कब तक इस गंदी सी जॉब के पीछे पड़े रहोगे आपको पता है मेरे फ्रेंड्स इतने रिच हैं उनके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नए नए मोबाइल और उनके पापा एसी कार से नीचे पाँव नहीं रखते और एक आप हो कि हमारी लाइफ ऐसी कर रखी है पापा कुछ ऐसा करो ना कि हमारे पास भी वो सब चीज़ें हों अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी सिर्फ जरूरतें ही पूरी होंगी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी बेटा जितनी मेरी औकात है ना मैं तुझे उसके हिसाब से पढ़ा लिखा रहा हूँ और घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ जब घर की ज़रूरतें पूरी होंगी तभी तो हम ख्वाहिशों की बात करेंगे ना तो फिलहाल एक काम कर ये 10,000 रुपये रख ले और कल इनको बैंक में जमा करा देना लोन की किस्त कटेगी और हाँ पिछली बार की तरह इनको खर्च मत करना हेलो संजाली का कहाँ पर है हाँ मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ दे दूंगा यार पार्टी भी पैसों की कमी थोड़ी ना आज की पार्टी मेरी तरफ से समझ ले हाँ योगेश को भी बुला ले तीनों मिलके पार्टी करते हैं हाँ आ रहा हूँ मैं बस आ गया यार कितना मजा आ रहा है तेरे घर पे और तेरा होम थिएटर तो बहुत ही मस्त है यार अरे पिछले महीने तो खरीदा पापा ने 3 लाख का 3 लाख का तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पिछले महीने मेरे पापा 5 लाख रुपए का लाए थे 5 लाख का होम थिएटर अरे पापा तो ऐसी महंगी चीजें लाते ही रहते हैं सही है यार आवाज कम कर मेरे पापा का फोन आ रहा है आवाज कम कर हेलो हाँ पापा यार मैं पढ़ने आया हूँ अपने दोस्त के घर पे आप फोन करके परेशान कर रहे हो खा लूंगा मैं खाना आप ना मेरी टेंशन छोड़ दो आप अपना खाना खाओ मेरे को छोड़ो मेरे को परेशान मत करो मैं पढ़ रहा हूँ हाँ ठीक है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ मैं खा लूंगा यार इरिटेट कर रहे हो आप मेरे को बाय क्या हुआ तेरा पिज्जा वाला नहीं आया अब तक यार आने वाला होगा आ गया मैं लेकर आता हूँ रुक 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 अबे 25 मिनट हो चुके हैं 5 मिनट की और वेट कर ले पिज्जा फ्री हो जाएगा मैं वॉशरूम से आता हूँ 5 मिनट तक गेट मत खोलना 5 मिनट बाद ही खोलना बात तो इससे ठीक है यार अरे 30 मिनट हो गए मैं पिज्जा लेके आती मैम लो आपका पिज्जा क्या भैया कितना टाइम लगा दिया आपने मैम वो लिफ्ट बंद थी ना तो 7 मंजिल पैदल चढ़ के आया हूँ अरे क्या हो गया अरे कुछ नहीं यार ये सब इनके ड्रामे हैं कि लिफ्ट बंद थी सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि लेट आया था सॉरी मैम इस टाइम पेमेंट दे दीजिए नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा क्या सोरी इनके यही बहाने होते एक तो पिज्जा लेट लाते फिर पूरे पैसे मांगते हैं यार तू देख इसको चल योगेश मैं तेरे को अपना नया लैपटॉप दिखाती हूँ पापा ये सब क्या है आप तो ऑफिस में जॉब करते थे ना यस सर वो क्या है ना सर मेरा एक बेटा है पंकज उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है बस इसीलिए मैंने लोन लिया था उसकी किस्त भरनी है तो ये सब करना पड़ रहा है साहब आप पिज्जा ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो वो क्या है ना साहब मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है अगर वहाँ लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए वहां पर मेरा बेटा नहीं होगा किस्मत बदलती देखी मैं जग बदलता देखिया मैं बदलते देखे 10,000 रुपये रख ले और कल इनको बैंक में जमा करा देना लोन की किस्त कटेगी और हाँ पिछली बार की तरह इनको खर्च मत करना किस्मत बदलती देखी मैं जग थैंक यू सर अरे उस गरीब को टिप भी दे देना साहब सॉरी पापा मेरे कारण आपको ये सब करना पड़ा मेरे कारण आपको बेइज्जत भी होना पड़ा आई एम सॉरी पापा बदल गया बेटा मुझे जरूरत नहीं है सब करने की मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब में हो जाएगा मैं दो दो नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ
तेरी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज तो जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज मुझे आपने सिखा दिया है। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस पापा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ। Hey guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल बकलोल रिव्यू को प्लीज सब्सक्राइब करें। रेड वाला बटन है गाइस, रेड वाला बटन। और इंस्टा पे फॉलो करना बकलोल वीडियो। लव यू, बाय। पापा खुद सब सहते हो।